así. माँ, माँ मैं निकलती हूँ. कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस है, लौटने में देर हो जाएगी. नाश्ता तो कर ले. नहीं माँ, मैं निकलती हूँ. अरे थोड़ा सा खा ले. हाँ, लेके चली जा. बिल्कुल नहीं. अरे अनु सुन. नमस्ते भाभी जी. नमस्ते शर्मा जी, आइए ना. आइए जी. नमस्ते अनिल जी. नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए. मैं चाय लेकर आती हूँ. हाँ, तो कैसे आना हुआ? आपको इनवाइट करने आया हूँ. किस बात के लिए? अगले हफ्ते मेरे बेटे की सगाई है. अरे वाह, आप सबको आना है. बहुत खुशी की बात है. कहाँ से तय की है शादी आपने? बाराबंकी से. अच्छा, वो क्या है अनिल जी कि मेरा बेटा रवि और ये लड़की दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अब शादी कर रहे हैं. क्या नाम बताया था आपने लड़की का? एनी डिसूजा. इनविटेशन कार्ड पर लिखा है. एनी डिसूजा क्रिश्चियन है. अच्छा है. आप तो जानते हैं अनिल जी कि जमाना कितना मॉडर्न हो गया है. आजकल बच्चे पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं. और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है. नहीं शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है. बात है परवरिश की, संस्कारों की. आप अपने बच्चे को जैसे परवरिश देंगे बच्चे वैसे ही होंगे. जमाना चाहे कोई भी हो. अब हम ही को देख लीजिए, हमने घर से दूर रहकर पढ़ाई की, अब नौकरी भी की. लेकिन क्या मजाल जो अपने पिताजी के खिलाफ एक काम भी किया हो. और आप ही के कहे अनुसार अगर आज के जमाने की बात देख ले तो हमारी बेटी अनन्या को ही देख लीजिए. शादी की उम्र हो गई है लेकिन आज तक एक भी कंप्लेन नहीं है. न किसी से मिलना जुलना, न किसी से यारी दोस्ती. आज तक कोई भी ऐरा गहरा फालतू लड़का उसके पास भी नहीं भटक पाया है. गुणी और संस्कारी है हमारी बेटी. उसने आज तक हमारा सर कभी झुकने नहीं दिया. मुझे गर्व है अपनी बेटी पर. इसलिए कहता हूं बच्चों को आप जैसी परवरिश देंगे ना वो वैसे ही होंगे. अरे शर्मा जी, आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? लीजिए लीजिए, चाय पीजिए चाय पीजिए, ठंडी हो रही है, पीजिए. सुनीता, मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारी अनन्या तो बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, क्यों ना हम इसके लिए लड़का ढूंढ ले. बात तो सही कह रहे हैं आप. क्या पापा, अभी मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ और आप शादी की बात कर रहे हैं? हाँ तो ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ही होगी तुम्हारी शादी. अभी तो सिर्फ तुम्हारा फाइनल ईयर है ना, 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन लड़का तो पहले से ढूंढना पड़ेगा ना, अचानक तो नहीं मिलेगा. पर पापा, मैं ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहती हूँ. नौकरी वो सब शादी के बाद सोचना. अभी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और शादी.
शादी के बाद अपने ससुराल वाले से मिलकर डिसाइड करना कि घर में रहना है या नौकरी करनी है, ठीक है? अरे अनु कहाँ जा रही है, खाना तो खत्म कर, आप लोग ही खा लो। क्या जरूरत थी ये सब उसके सामने बोलने की? ठीक है, हर लड़की शादी के पहले ऐसे ही करती है। वैसे खन्ना साहब एक लड़के के बारे में कह रहे थे, बैंक में पीओ है, अच्छा खासा खानदानी है, सोच रहा हूँ बात आगे बढ़ाऊं, तुम्हें क्या लगता है? अब आप अन्नू के बारे में सोच रहे हैं तो गलत तो सोचेंगे नहीं। अरे अनु, कॉलेज नहीं गई? क्या बात, कुछ हुआ है क्या? हाँ, अरे कुछ बोलेगी, किसी ने कुछ कहा क्या? अच्छा ठीक है, देखो यार अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है तो शाम में आके आराम से बात करते हैं। तुझे तो सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है ना? तुझे तो काम पर जाना है, तो जाना। अरे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, पापा ने कुछ कहा क्या? पापा मेरी शादी तय कर दें, लड़का देखना शुरू कर दिया है उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तू एक काम करना, तू पापा से बात कर। पागल है क्या? तेरे पापा को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो हम लोगों की शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तू क्या चाहता है, मैं किसी से भी जाके शादी कर लूं? अरे जब शादी नहीं करनी थी ना तो प्यार क्यों किया फट्टू साला? अरे क्या बकवास कर रही है यार, पहले शांत हो, ठीक है? कुछ और रास्ता है क्या अपने पास? नहीं है, तुझे पापा से बात करनी होगी, समझा? देख आज आज पापा दुकान पर है, लेकिन कल संडे है, कल पापा पूरा दिन घर पे रहेंगे और मैं भी वहां रहूंगी, तू बस कल सुबह आ जाना, समझा? अच्छा तू सिर्फ कल आ जाना घर पे, बस बाकी मैं संभालूंगी, ओके ना? ठीक है। पापा मैं देख के आती हूँ। वैसे अच्छी बनाई है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अरे तुम अन्नू के वही दोस्त हो ना जो उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे? जी अंकल। आओ बैठो, नाश्ता करो। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं नाश्ता करके आया हूँ, थैंक यू। तो क्या तुम अभी अनु के साथ पढ़ते हो? नहीं अंकल, मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी, अभी मैं AB इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। अच्छा है, तो आना कैसे हुआ? पापा वो मैंने इसे बुलाया है आपसे मिलवाने के लिए। वो क्यों? पापा मैं अरुण से प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं कहोगे? जी अंकल, मैं भी अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ। कौन सी कंपनी में काम करते हो तुम? जी AB इंडस्ट्रीज। आओ जरा बात करते हैं। पापा तुम यहीं रुको, आओ। क्या बोल रही है तू? हाँ क्या बोल रही है तू? जानती है ना अपने पापा को, ये सब क्या है? हाँ तो तुम क्या कह रहे थे, कहाँ काम करते हो? AB इंडस्ट्रीज। जी। महीने में कितना कमा लेते हो? 15,000। 15,000? देखो बेटा, फिलहाल अनु के लिए यही बेहतर होगा कि वो तुमसे नहीं बल्कि एक अच्छे सेटल लड़के से शादी कर ले, समझ गए ना तुम? इसलिए तुम उसे भूल जाओ। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अनु के बगैर नहीं जी सकता। प्यार से समझा रहे हैं तुमको, समझ में नहीं आता है?
15,000 की औकात नहीं है और मेरी बेटी से शादी करने चला है। और क्या क्या कह रहा था तू? उसके बगैर जी नहीं पाएगा है? अरे तेरे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, और आज के बाद यहाँ या अन्नू के आसपास भी नजर आए ना तो तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। और इसे सिर्फ धमकी मत समझना, ये भी इंडस्ट्रीज में काम करता है ना, वहां खालिद है, उससे पूछ लेना मेरे बारे में, बता देगा मैं कैसा इंसान हूं। चल जा यहां से, चल जा, जा कह रहा हूं ना, चल जा। पापा अरुण कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। ये करने जाती है तू कॉलेज हा? अरे हम तो समझते थे कि हमारी बेटी सबसे अलग है, संस्कारी है। मिसाल दे रहा था मैं तेरी, लेकिन नहीं, हम गलत थे। पापा मैं अरुण से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम चुप रहो, एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक वो तुझसे दूर है तब तक जिंदा है, और आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना। मेरी ही गलती थी, सो मैंने उसे इतनी छूट दे दी। आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? देखा ना तुमने किस तरह से बात कर रही थी मुझसे, शर्म हया रेस्पेक्ट सब कुछ भूल गई है वो। बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने उसकी, और आज आज वो सब कुछ भूल गई है एक ऐसे लड़के के लिए जिसे वो सिर्फ कुछ साल से जानती है। मैं कल ही उसकी शादी फाइनल करता हूं, बस बहुत हो चुका है। सुनीता, अरे कहाँ हो? हाँ जी बोलिए। अरे बहुत खुशी की बात है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि खन्ना ने एक लड़के के बारे में कहा है जो बैंक में पीओ है, विनय नाम है उसका, तो मैंने अपनी अन्नू की तस्वीर उन्हें भेजी थी, अपनी अन्नू बहुत पसंद आई उन्हें। अच्छा, उन्होंने विनय की भी तस्वीर भेजी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो कैसा है लड़का। दिखने में तो अच्छा है। अरे होगा ही, हजारों में एक है लड़का, अपनी इकलौती बेटी है, ऐरे गैरे के हाथ में थोड़ी छोड़ सकते उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी इकलौती बेटी ने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं तो समझा समझा के थक गई, आप ही जाकर बात कीजिए उससे। तुम खाना लाओ, मैं देखता हूँ। हाँ जी। बेटा अभी भी अपने पापा पर नाराज है? तेरी माँ कह रही थी तूने कल से खाना तक नहीं खाया। बेटा नाराज तो तू मुझ पर है, गुस्सा अपने आप पर क्यों उतार रही है? उठ जाना बेटा, खाना खा ले। मुझे खाना नहीं खाना। बेटा ये विनय बहुत ही अच्छा लड़का है, बैंक में पीओ के पोस्ट पर है, 50,000 की सैलरी है, दिल्ली में अपना घर है, गांव में जमीन है, रानी की तरह रखेगा तुझे, अरुण से कहीं ज्यादा अच्छा है। अरे अरुण के पास है ही क्या तुझे देने के लिए? 15,000 की तो सैलरी है, उसके अंदर तुझे क्या खिलाएगा क्या पहनाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, तू सिर्फ एक बार उसका फोटो देख, देख ये देख, देख।
अरे बाप हूं मैं तेरा, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, भला बुरा सब। और मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है ना, ये प्रेम मोहब्बत सब सब खिड़की के बाहर चला जाता है। उसके बाद जो हाल होता है ना, बहुत ही भयानक होता है। रनू, मैं तुझे उस हाल में देखना नहीं चाहता। अरे सुनीता, समझाओ मैं इसे, दुश्मन लगता हूं मैं इसे, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। और एक बात, मैं यहां तुझसे तेरी मर्जी पूछने नहीं आया हूं, तुझे बताने आया हूं कि तेरी शादी विनय से ही होगी, भले तू फोटो देख या ना देख। खाना रखी है, खा लेना। चलो सुनीता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं भी चाहता था कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन तुम्हारा रिश्ता पक्का होने के बाद। ठीक है, दो दिन बाद विनय के पेरेंट्स हमसे मिलने आ रहे हैं, तुम तो उन्हें पहले से ही पसंद थी, अगर तुम्हें भी विनय पसंद आ जाता है तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, उसके बाद तुम कॉलेज जा सकते हो। ठीक है ना जी? चलो। नमस्ते करो बेटा। आओ बेटा, बैठो बैठो। भाई साहब, हमें तो अनन्या पसंद है और विनय को भी, बस आप एक बार अनन्या से पूछ लीजिए कि उसे विनय पसंद है कि नहीं, तो बात आगे बढ़ाए। हैं जी? बिल्कुल, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बेटा, तुम्हें विनय पसंद है ना? जी पापा। अनन्या को भी विनय पसंद है, तो फिर हमारे तरफ से रिश्ता पक्का। हमारी तरफ से भी। तुम इस टाइम हाँ? कैसा चल रहा है तेरा काम धंधा? मस्त ना? क्या हुआ उन्हें? सब ठीक है ना? साला, यहाँ मेरा रो रो कर बुरा हाल है, मेरा बाप मेरा रिश्ता तय कर रहा है और तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? सब नॉर्मल है ना तेरी लाइफ में? हाँ, मैं ही पागल हूँ जो तेरे चक्कर में पड़ी हूँ। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था यार। अरे अनु, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ? नहीं। अरे मैं क्या करूँ यार, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? माय फुट। अच्छा एक बात बता, देख सच सच बोलना, तू मुझसे प्यार करता है ना? हाँ, या फिर मैं तेरे लिए टाइम पास हूँ? यार अनु, क्या बोल रही है, ये तो तू भी अच्छी तरीके से जानती है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ? तो फिर भाग चल देना कहीं दूर। हाँ? क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, भाग चलते हैं। पर कहाँ चलेंगे? हाँ? कहीं भी,
बस यहाँ से दूर। अनु तू समझने की कोशिश कर, अगर हम लोग कहीं भी भाग के जाएंगे ना तो तेरा बाप हमें पकड़ लेगा और उसके बाद जो होगा वो बहुत बुरा होगा। साला फट्टू, मुझे पता था तू ना कुछ ऐसा ही कहेगा। तुझसे अच्छा ना वो विनय है मेरे लिए। एक काम करती हूँ, मैं ना हमेशा के लिए तेरी लाइफ से चली जाती हूँ। हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं यार, वो थोड़ा पर्सनल काम की वजह से मैंने छुट्टी ले ली थी। तुम बताओ तुम्हारे घर में सब कुछ कैसा है? या गुड, घर पे कैसे है तुम्हारे मम्मी पापा? सब बहुत अच्छे हैं। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है। हेलो। हाय विनय, कैसे हो तुम? बस तुमको मिस कर रहा था। अच्छा अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर पहुँच के फोन करता हूँ। ठीक है, लव यू। हाँ बस यहाँ एक लगा दो। हाँ, अब और ज्यादा नहीं लगाना, बस इतना ही कवर करना है। अब एक लड़ी उधर लगा देना, एक इधर। सुनिए, एंगेजमेंट रिंग ले आए? हाँ मैं ले आऊंगा थोड़ी देर में। एंगेजमेंट है कल और अभी तक रिंग नहीं आई। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो सुनीता, रिंग तैयार है, बस ज्वेलर के पास जाना है, पैसे देने और ले आना है। अब अनु कब तक आएगी? कोचिंग से निकल गई होगी, आती ही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो सब, ये सब ठीक है ना? हाँ फोन ही नहीं लग रहा इसका, न जाने कहाँ रह गई है। हेलो कविता, अनु है तुम्हारे साथ? नहीं आंटी, वो कोचिंग के बाद घर चली गई। क्या, लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं पहुंची। अच्छा ठीक है बेटा, कुछ पता चले तो बताना। ठीक है आंटी। अनु तो कोचिंग से शाम को ही निकल गई थी। मेरी गलती थी जो मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि अरुण के साथ तो नहीं है। तो बोल बेटा, किसने किया तेरा ये हाल? पापा, मैं जब कॉलेज से आ रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मेरा
क्या क्या कर रही है? पापा, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पागल हो गई है क्या? पुलिस तक नहीं जाना है, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। पापा, आप समझ नहीं रहे, उन्होंने जो मेरे साथ किया है, मैं उसकी सजा उन्हें दिला के रहूंगी। मैं कॉल कर रही हूँ। बेटा, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, कल तेरी एंगेजमेंट है, ये बात पुलिस तक गई तो सब तक फैल जाएगी। मेरी बात समझ बेटा, बदनामी होगी तेरी। पापा, आप नहीं समझ रहे हैं, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ वो आप नहीं समझ पाएंगे। पापा, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो, इसलिए मुझे कॉल करना होगा पुलिस को। सोच ले बेटा, फिर से एक बार सोच ले, मान मेरी बात। पापा, रही बात विनय की, तो मैं जानती हूँ विनय को, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। समझाओ ना इसे, मत कर बेटा। हेलो पुलिस। अनन्या, हमें ठीक से बताओ कि क्या हुआ था। मैं कोचिंग से घर लौट रही थी, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर पहुँच के फोन करता हूँ। ठीक है, लव यू। I'm sorry. वो कितने लोग थे? चार लोग। तुमने किसी को पहचाना या उनका चेहरा देखा? नहीं, उन लोगों ने गमछे से अपना मुंह छुपाया हुआ था। उन्होंने तुम्हें एग्जैक्टली किस जगह से अगवा किया था? गोल चौराहे से। और कोई बात उनके बारे में जो तुम बताना चाहती हो? नहीं। अनन्या, मैं ये बताओ कि तुम्हारा किसी लड़के से कभी झगड़ा हुआ था? आई मीन कॉलेज या कोचिंग में कोई जो तुम्हें पसंद करता हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इनफैक्ट अनु की तो कल एंगेजमेंट है, शादी होने वाली है उसकी। ठीक है शर्मा जी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और अगर कोई बात हो जो आप लोग हमें बताना चाहें तो हमें कॉल कीजिए। जी सर। यादव, इनकी मेडिकल जाँच करवाओ, और गुलचिकर रोड पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं मुझे उन सबका फुटेज चाहिए। सर, जल्द से जल्द। ले अन्नू, चाय पी ले। नहीं माँ, मन नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अरे मेरे बेटा, तुम यहाँ? कल से कोई फोन नहीं उठा रहा था अंकल, तो मुझे चिंता हो रही थी इसलिए मैं आ गया। अनन्या कहाँ है अंकल? अनन्या, अनन्या तुम, क्या हुआ तुम्हें? ना तुम मेरा फोन उठा रही हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो, और ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? अनन्या क्या हुआ है? अंकल क्या हुआ है इसे? कुछ तो बोलो अनन्या, प्लीज से समथिंग। I have been raped. What? Rape? लेकिन कैसे? कल कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, और फिर मेरे साथ। अनन्या तुमने मुझे बताया तक नहीं। ओ माय गॉड, अंकल ये क्या बोल रही है? विनय, तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, पुलिस उन्हें जरूर पकड़ लेगी, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस कंप्लेन? और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? रियली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आज शाम को हमारी एंगेजमेंट है और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? अंकल आपने भी इसे नहीं रोका। देखो विनय बेटा, जो कुछ भी होना था सो हो गया,
And I hope इन सब का असर तुम दोनों के engagement पर नहीं होगा। I'm sorry अंकल, लेकिन अब ये सब कुछ मेरे पापा decide करेंगे। आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। विनय रुको मेरी बात। विनय, विनय रुको मेरी बात। विनय। हेडक्वार्टर भेजो। सर, सर ये गोल चक्कर का सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ। ये देखिए सर। तो इस वैन का पता लगाओ। एक बार ये वैन मिल गई तो वो लड़के मिल जाएंगे। सर। देखिए अनिल जी, बात सारी मीडिया में फैल चुकी है। नहीं नहीं, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे मैं क्या समझूं? मेरे खानदान की इज्जत, विनय के करियर का सवाल है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये रिश्ता अब नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए ना। क्या हुआ, क्या बोले वो? अरे और क्या बोलेंगे, विनय के पापा ने शादी कैंसिल कर दी है। देख लिया अनु, तूने देख लिया अपनी जिद का नतीजा? चाहो तो सिर्फ तेरी ही खबर है टीवी में, न्यूज़पेपर में। अब कौन करेगा तुझसे शादी? बैठे रहना घर में जिंदगी भर कुंवारी। लेकिन आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और किस पे करूं मैं? नाक कट गई हमारी, अब तुम बताओ कौन करेगा इससे शादी? देखिए अब थोड़ी देर बाद फिर से उन्हें कॉल ट्राई कीजिएगा, शायद मान जाए। नहीं देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, हम लोग मिलके बात करते हैं ना। नहीं मिल लेते हैं और फिर तय कर लेते हैं। नहीं सुनिए, हेलो क्या बोले वो? मना कर रहे हैं वो। मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी, वो अनु घर पे है? अंदर। नमस्ते अंकल। तू? तू क्या करने आया यहाँ? आप शांत हो जाइए, वो अनु से मिलने के लिए आया है, मिलने दीजिए। अनन्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? न्यूज़पेपर में मैंने देखा तब पता चला। आई एम सॉरी यार। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना था, एटलीस्ट हम लोग दोस्त तो हैं ही ना। अनन्या, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी है। हा? और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खाना खा लीजिए। नहीं सुनीता, भूख नहीं है मुझे। उठा क्यों नहीं लेते फोन? अरे कितनों का फोन आ रहा है, हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, अनन्या की खबर सही है नहीं, सही है नहीं। थक गया हूं मैं बताते बताते।
फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। सुमिता, मुझे बहुत चिंता हो रही है अनु की। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे होगी उसकी शादी बताओ, कितनी बदनामी हो रही है उसकी। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। कौन सा? अरुण। अरुण मतलब? मतलब ये कि ये तो पक्का है कि इस हादसे के बाद हमारी अनु से कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन अरुण, वो तो अनन्या से बहुत प्यार करता है ना, वो शादी के लिए मान जाएगा। और हमारी अन्नू भी तो उससे बहुत प्यार करती है। सुनीता, वो हमारे जात का नहीं है। आप अभी भी जात पात को लेकर बैठे हैं जी, ये जो बदनामी हो रही है इससे तो बेहतर ही रहेगा ना। और अरुण बुरा लड़का नहीं है, आपने देखा नहीं, अनन्या की खबर सुनते ही वो उससे मिलने चला आया, उसका हालचाल जानने चला आया। वरना आपने जो उसके साथ सुलूक किया था, कोई और लड़का होता तो दोबारा हमारे घर के अंदर झांकता तक नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अनन्या मानेगी? उससे अरुण के बारे में बात करके देखे। ठीक है, चलिए अभी चलिए। चल। मम्मा, अब होश में तो हो, अब क्या कह रहे हो? अनु बेटा, बदनामी से बचने का एक यही रास्ता है, तू अरुण से बात तो कर। वाह मम्मा, जब वो रिश्ते के लिए आया था तब आप लोगों ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया, फिर विनय से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अरुण को बुलाकर विनय से प्यार किया और अब आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं अरुण से बात करूं। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं रोबोट नहीं हूं। समझने की कोशिश कर अनु। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझसे नहीं होगा ये। देख बेटा, मैंने उसे धक्के मार के निकाला था ना, मैं ही जाऊंगा उसे मनाने के लिए, मना कर ले आऊंगा उसे। हाँ जैन सर, सर गोल चक्कर से लेके लोनी बॉर्डर तक सारा हाईवे छान मारा, लेकिन सर वो वैन किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुई है। यादव, अगर वैन हाईवे पे कहीं कैप्चर नहीं हुई है मतलब हो सकता है उसी एरिया में। एक काम करो, एक टीम लगाओ और पूरा एरिया छान मारो, गली नुक्कड़ चौड़ा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि वो वैन हमें वहीं मिलेगी सब। और अगर वैन उस एरिया में मतलब हो सकता है वो लड़के भी उसी आसपास के हो, और शायद उनमें से कोई उस लड़की को जानता भी हो। हम एक बार उस लड़की से पूछताछ और करते हैं, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। जी सर। चलो। देखो बेटा रोम, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जैसे बिहेव किया वो गलत था, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। और तुम्हें लगता है उसके लिए मैंने तुमसे माफी मांगनी चाहिए? आई एम सॉरी। अरे अंकल, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, अनन्या को तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज बेटा। ठीक है अंकल, थैंक यू। देखो अनन्या, हमारी टीम उस वैन को ढूंढ रही है, और जानकारी के मुताबिक वो सारे लड़के उसी गोल चक्कर आसपास के एरिया के हैं, और हो सकता है वो तुम्हें जानते भी हो, या उनमें से कोई एक तुम्हें जानता हो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा, अच्छे से सोच के बताओ, कभी किसी लड़के ने तुम्हें परेशान किया हो या अपनी प्यार का इजहार किया हो तुमसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अगर होता तो मैं आपको पहले बता देती। शर्मा जी, ये? जी ये अरुण है, इसका मंगेतर। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? अब अरुण कुमार। कहाँ रहते हो? ये गोमती नगर में। और करते क्या हो? जी वो एबी इंडस्ट्री में टेक्नीशियन हूँ। वेरी गुड अरुण, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे हालात में भी तुमने अनन्या का साथ नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। कब से जानते हो इसको? सर यही कोई 4-5 सालों से। अच्छा, मतलब लव कम अरेंज मैरिज है तुम्हारी।
जी ठीक है शर्मा जी, हम निकलते हैं और कोई जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। जादव यादव, मुझे इस लड़के अरुण की पूरी कुंडली चाहिए। लेकिन सर, ये लड़का तो उस लड़की का मंगेतर है। तुम्हें याद है उस दिन जब मैंने अफेयर की बात की थी तो लड़की के फादर ने तपाक से जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अनन्या की शादी होने वाली है वगैरह वगैरह। और आज ये अरुण कह रहा है कि 4-5 सालों से जानता है, मतलब इतने टाइम से लोग रिलेशन में। सर, इसमें शक वाली क्या बात? शक की बात ये है यादव कि अनिल जी हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं हमसे। चलो जैन सर। हाँ यादव बोलो। सर वो वैन मिल गई है, मैंने उसके मालिक को भी उठवा लिया है। और सर ये अनन्या की मेडिकल रिपोर्ट। देखो अनु, जो हुआ सो भूल जाओ, जितना याद करोगी उतनी तकलीफ होगी, है ना? अरे ये सोचो अगले महीने हम लोगों की शादी है, सो बी हैप्पी। स्माइल करो पहले। अब खुश? हाँ। अच्छा अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं। ठीक है बाय। आई लव यू। लव यू टू। और कुछ कहना है? अरुण कहीं जा रहे थे? हाँ घर जा रहा था। आओ जरा अंदर चलो, कुछ बात करनी है। आ जाओ। तो अरुण कुमार बताओ सबको, तुमने अनन्या का रेप क्यों किया? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें वो वैन मिल गई है और वैन के ओनर ने बताया हमें कि उस दिन वो वैन तुमने किराए पे लिया था, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अभी सबके सामने मुंह खोलो या फिर तुम्हें हम थाने ले जाके मुंह खुलवाएंगे। अगर थाने ले गए ना फंस जाओगे तुम। पहले हम तुम्हें कूटेंगे फिर पूछेंगे। डिसाइड कर लो क्या करना है। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर यादव लेके चलो इसे। चल। सर सर बताता हूँ। सर बोलो। सर अनन्या चाहती थी। क्या बकवास कर रहा है तू? एक सेकंड बोलो अनन्या, क्यों क्या है सर? हमारे पास तुम्हारी ये मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा है तुम्हारे साथ कोई रेप नहीं हुआ, बल्कि वो एक कंसेंसुअल सेक्स था और 4 लोगों के साथ नहीं, सिर्फ एक इंसान के साथ जो कि ऑब्वियसली अरुण था। तुम्हारे शरीर पे जितने भी चोट के निशान थे वो सब कुछ तुमने खुद बनाए थे, राइट? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हमें मजबूरन अरुण को जेल ले जाना पड़ेगा, और जेल में एक रेपिस्ट के साथ क्या होता है तुम दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बोलो। सब उस दिन जब मैं अरुण से मिलने गई थी तो अनु कुछ तो आइडिया होगा। एक आइडिया है, अगर काम कर गया तो पापा खुशी खुशी हमारी शादी करा सकते। क्या आइडिया चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तो एक बात बता, अगर कल को मेरा रेप हो गया, मैं बदनाम हो गई तो तू मुझसे शादी करेगा ना? तो क्या बोल रही, पागल वागल हो गई है क्या? तू सिर्फ बता ना। अरे अनु, मेरे दिल में हमेशा तेरे लिए जगह है, चाहे कुछ भी हो जाए। शांति, मगर कोई खानदानी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। टिक, मैं अपने रेप की झूठी कहानी सबको बताऊंगी और बदनाम हो जाऊंगी, और फिर विनय इस शादी के लिए मना कर देगा।
और तब पापा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। हम दोनों की शादी। इसमें रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क कैसा, जब रेप होगा ही नहीं तो फिर रिस्क कैसा? तू ना एक काम कर, बस एक पैन का जुगाड़ कर। सर उस दिन मैंने एक वैन का जुगाड़ किया जिससे सीसीटीवी में सच लगे। उसके आगे जाके हम लोग वैन से उतर गए। सर हम लोग फिर रूम पे गए जहां हम लोगों ने फेक रेप प्लान किया। और फिर मैं घर आ गई, फिर वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। लेकिन अनु, ये सब क्यों किया तूने? और क्या करती मैं पापा? मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं था। मैं अरुण को प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पापा को अरुण पसंद नहीं था, उन्होंने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया था और मेरी शादी उस विनय से तय कर दी थी। सर मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। कमाल है, पढ़े लिखे हो, आज के जमाने के हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता आज के जमाने में कोई किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। और आप लोग, आपको अंदाजा भी है जबरदस्ती बेटी की शादी करवाने के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है। यादव